चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित ग्रेन मार्केट में पिछले दिनों प्रशासन द्वारा पार्किंग की कीमतों को बढ़ाया गया, जिसका विरोध उस समय भी व्यापारियों द्वारा किया गया था। लेकिन जैसे ही अक्टूबर के महीने शुरू होते ही त्योहारों के मौसम में यह विरोध और तेजी से बढ़ गया। शुक्रवार को इसी को लेकर ग्रेन मार्केट में व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध कर नाराजगी जाहिर की। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रामकरण गुप्ता कर रहे थे। अर्थ प्रकाश संवाददाता से बातचीत के दौरान गुप्ता ने बताया कि आज SDM मैडम नाजुक कुमार से मिले हैं। उन्होंने त्योहारों के सीजन तक पार्किंग की बढ़ाई कीमतों पर रोक लगा दी है और बताया है कि उसके बाद प्रशासन द्वारा ठेकेदार से बातचीत कर कीमतों में कटौती करवाएंगे। चंडीगढ़ मार्केट कमेटी, जो मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर नाजुक कुमार जी से उन्होंने हमें मैसेज दे के बुलाया और एक घंटा उनके साथ चर्चा हुई। ग्रेन मार्केट सब्जी मंडी के नेता उस मीटिंग में थे जी, और यही फैसला हुआ। 5 मेंबर ग्रेन मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जी, 5 मेंबर सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से, और कुछ मेंबर जो वो चाहेंगे मार्केट कमेटी की तरफ से मिलाकर एक कमेटी बनेगी जी। और वो कमेटी जो गठित होगी वो डिसाइड करेगी कि पार्किंग टेंडर का प्रारूप क्या हो जी। वो तैयार होगा, उसके बाद ये जो पहला जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उससे अगर नेगोशिएट करेंगे, अगर वो उन शर्तों को मानता है जी, तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर वो नहीं मानता उन शर्तों को, तो फिर रीटेंडरिंग का प्रावधान है, रीटेंडर किया जाएगा इसको कैंसिल करने के बाद। ओके। तो दिवाली तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा। हाँ जी। पर रेट अगर बढ़ाने भी पड़े हैं, 25% रेट बढ़ा लें, 50% बढ़ा लें, मैक्सिमम 100% बढ़ा लें, 500% रेट बढ़ाना ये मुझे लगता है अन्याय है, अनजस्टिस है, ये किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं। मार्केट कमेटी लगाते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, यहाँ 25 रुपये पर काटा जाता है रेडी का गेट पार्किंग। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।